दोस्तों रिसेंटली हमारे BTS मेंबर सुगा और जिमिन योजे शुक के YouTube शो जस्ट एन एक्सक्यूज पे गए थे और इस वीडियो के एक छोटे से क्लिप पे मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने इस एपिसोड के वीडियो को पूरा देखा था और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो को मैं आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हमारे प्यारे सुगा और जिमिन ने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बताई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और ये सेकंड राउंड थी इस चैट शो की, जिसमें सुगा और जिमिन एज अ गेस्ट बनकर आने वाले थे और फर्स्ट राउंड खत्म होने के तुरंत ही बाद सुगा और जिमिन वहां आ जाते हैं और उन्हें इतना जल्दी आता हुआ देख शो के होस्ट भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ मिनट पहले ही अपनी प्रीवियस शो खत्म की थी। दोस्तों सुगा और जिमिन आते हैं और सभी से मिलते हैं और ऑन द कैमरा ही उन्हें माइक लगाई जाती है और फिर ये चैट शो स्टार्ट होती है। दोस्तों पहले तो वो सभी आपस की कुछ बातें करते हैं और उसी बातों ही बातों में होस्ट सुगा से कहते हैं कि मैंने सुन रखा है कि सुगा अलग अलग लोगों से बातें करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, बट व्हाट अबाउट जिमिन, जिमिन अलग अलग लोगों से बातें करने में कैसे हैं? तो इस पर हमारे जिमिन ने कहा कि मैं तुरंत ही नर्वस हो जाता हूँ और अनजान लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है, मैं जिसे नहीं जानता उनसे बातें करने में मुझे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट होती है। दोस्तों जिमिन की बातों को सुनकर होस्ट उनसे पूछते हैं कि फिर भी आपको कितना वक्त लग जाता है कंफर्टेबल होने में, इस पर जिमिन कहते हैं लगभग 1 घंटा। दोस्तों जिमिन से ये सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि वहाँ कुछ पर्सन ऐसे भी थे जो जिमिन के लिए बिल्कुल ही न्यू थे, तो होस्ट को लगा कि क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं। इस वजह से होस्ट जिमिन से कहते हैं कि प्लीज आप 20 मिनट के अंदर ही कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि 1 घंटे में तो ये शो खत्म भी हो जाएगी। इसी वजह से होस्ट उनसे कहते हैं कि प्लीज आप जल्दी से कंफर्टेबल हो जाओ हमारे साथ, नहीं तो शो को एंड करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगी। दोस्तों फिर हमारे जिमिन ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरा बैंडमेट मेरे साथ है। तो दोस्तों इससे हमें समझ में आ गई कि हमारे जिमिन कितने ज्यादा साई पर्सन है। इसके साथ ही होस्ट ने कहा कि हमारे पास बात करने के लिए कोई खास टॉपिक या सब्जेक्ट तो नहीं है, हम सिर्फ बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। इसके बाद होस्ट जिमिन से पूछते हैं कि जिमिन अभी आप क्या कर रहे हैं, तो जिमिन ने कहा कि मैंने अभी अभी अपनी न्यू सोलो एल्बम रिलीज करी है, और जिमिन की बातों को सुनकर सभी रिलैक्स हो जाते हैं कि फाइनली जिमिन अब कंफर्टेबल हो रहे हैं। फिर जिमिन कहते हैं कि मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो बस सोफे पे लेटा हुआ रहता हूँ, तो उनसे पूछा जाता है कि आप सोफे पे लेटकर क्या करते हैं, तो जिमिन कहते हैं कि मैं रामायण खाता हूँ और शोज की वीडियो देखता हूँ। दोस्तों इस पर होस्ट जिमिन से कहते हैं कि आप रामायण क्यों खाते हैं, बल्कि आप तो इतने ज्यादा अमीर हो कि आप तो कुछ भी महंगी चीजें खा सकते हो, फिर सस्ती से रामायण क्यों खाते हैं। दोस्तों होस्ट की इस बात को सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं कि ये किस तरह के अजीबोगरीब सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों होस्ट ने कहा कि उन्होंने एक बार BTS मेंबर जिन के साथ ड्रिंक करा था और जिन ने पूरी बिल पे करी थी, और दोस्तों ड्रिंक से हमारे सुगा को अपने शो स्विचविता की याद आ गई, तो उन्होंने सभी को अपने शो के बारे में बताया जहां सभी ने उनके काम को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करा। इसके साथ ही सुगा ने बताया कि शो में उनकी एक ही परेशानी है कि वो जिस भी कास्ट मेंबर को बुलाते हैं वो कास्ट मेंबर कुछ ही दिनों पहले इस तरह के शो से आ चुका होता है, जिस कारण सुगा को काफी सोच समझ कर ही सवाल पूछना पड़ता है कि कहीं वो सेम क्वेश्चन ही तो नहीं पूछ रहे हैं, और ये सुगा की सबसे बड़ी परेशानी है। और सुगा की इन बातों को सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं और कहते हैं सुगा भी एक क्विज शो चलाते हैं और यहाँ भी एक शो चल रही है, मतलब दोनों दुश्मन हुए। दोस्तों जिमिन की इस फनी बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि चलो जिमिन 20 मिनट्स के अंदर ही कंफर्टेबल हो गए। दोस्तों इसके बाद सुगा कहते हैं जिमिन बहुत ही ज्यादा फनी पर्सन है पर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस और साई हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो इस पर होस्ट जिमिन से पूछते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेशर कब फील होता है, तो जिमिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब सबकी नजर मुझ पर ही होती है तब मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वस फील होता है, और इस बात को बताते हुए जिमिन बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। फिर क्या था दोस्तों, सभी जिमिन को टीज करने लगे और सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ जिमिन को ही देख रही थी। इसके साथ ही दोस्तों जब BTS मेंबर इस तरह नॉर्मल पीपल की तरह नीचे बैठकर बातें करते हैं, ये चीज मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हम इंडियंस भी इसी तरह बातें करना पसंद करते हैं। और इसी दौरान हमें एक बहुत ही ज्यादा प्यारी सी मोमेंट देखने को मिली जब जिमिन को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए होस्ट जिमिन के सर को अपने गोद पे रख लेते हैं, और यहाँ भी जिमिन बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। अब काफी सारी आर्मीज ये सोच रही होंगी कि काश वो गोद मेरी होती।
हम आर्मीज के ड्रीम भी ना। दोस्तों इसके बाद होस्ट उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो जिमिन और शुगा दोनों के लिए ही थी, कि सक्सेस अचीव करने से पहले और सक्सेस अचीव करने के बाद उनकी फैमिली उन्हें किस तरह से ट्रीट करती है, क्या पहले और अभी में कुछ बदलाव आया है। दोस्तों इसका जवाब देते हुए जिमिन ने कहा, मेरे डैड मुझे अब और भी ज्यादा केयरफुलनेस के साथ ट्रीट करते हैं। पहले डैड मुझे ज्यादा प्रेशर देते थे और काफी सारी गलतियां भी निकालते थे, पर अब वो ऐसा नहीं करते हैं और मेरी मॉम रेयरली ही मुझ पर कभी गुस्सा करती है। इसके साथ ही होस्ट ने कहा कि जिमिन की पर्सनैलिटी उनके मॉम से काफी ज्यादा मैच करती है। जिमिन बिल्कुल ही अपनी मम्मी पे गए हैं। इसके बाद शुगा कहते हैं, मेरी फैमिली बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, वो आज भी मुझे पहले जैसे ही ट्रीट करती है, जैसे कि आज भी महीने में एक बार मेरी डैड से मेरी बहस हो ही जाती है क्योंकि मैं टाइम पे खाना नहीं खाता। दोस्तों शुगा ने कहा कि वो ब्रेकफास्ट और लंच नहीं करते हैं, वो पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही मील लेते हैं और रात को कुछ स्नैक्स खा लेते हैं क्योंकि उन्हें भूख ही नहीं लगती। पर शुगा के डैड कहते हैं, पहले कुछ खा लो फिर काम करना, इसी कारण दोनों में बहस हो जाती है। पर मुझे लगता है कि इस चीज पे सभी आर्मी शुगा के डैड के साथ होंगी। दोस्तों जिमिन ने बताया कि वो दिन भर में दो मील लेते हैं, लंच और डिनर, और शुगा एक ही मील लेते हैं और वो है डिनर और उसके बाद मिडनाइट स्नैक्स। इसके साथ ही दोस्तों शुगा और जिमिन ने होस्ट को डायनामाइट के स्टेप्स भी कर दिखाए क्योंकि उनसे नहीं हो पा रही थी। इसके साथ ही दोस्तों शो के दौरान जिमिन और शुगा ने काफी सारी टैंगराइंस भी खाए थे और दोनों ने ही अपने पुराने दिनों के प्रेशर भरे लाइफ के बारे में भी बातें करा, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। इसके साथ ही दोस्तों शो के होस्ट ने कहा कि हम जिमिन और शुगा के लिए चीजों को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं क्योंकि ये हमेशा ही नॉर्मल लाइफ की बातें नहीं करके अपने आइडल लाइफ के बारे में बातें करते हैं, तो आज हम उनके नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड बातें ज्यादा करेंगे। तो इसके बाद होस्ट ने उनसे उनके स्लीपिंग टाइम के बारे में पूछा कि वो कितने बजे सोते हैं, जिस पर जिमिन ने कहा कि वो सुबह के 3 या 4 बजे सोते हैं और शुगा ने बताया कि वो सुबह के 4 बजे सोते हैं। मतलब ये तो काफी सारे लोगों के सोकर उठने का वक्त है। खैर हमारे BTS मेंबर बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं और अपने काम को किया करते हैं, इसी कारण शायद वो लेट सोते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुगा ने बताया कि वो आज भी एक आइडल की ही जिंदगी जी रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 5 से 6 सालों से वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं और शुगा की बातों को सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं। तो शो के होस्ट उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, जिस पर जिमिन कहते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही अच्छे से सोता हूँ। इसके साथ ही होस्ट ने जिमिन को उनकी एल्बम लाइक क्रेजी के लिए बहुत सारी बधाइयां दी और शुगा की अपकमिंग एल्बम के बारे में भी बातें करी और शुगा को अपने एल्बम के बारे में भी कुछ बताने को कहा, जिस पर शुगा ने कहा कि मैं यहाँ अपनी एल्बम की प्रमोशन के लिए तो नहीं आया हूँ। इसके साथ ही दोस्तों शुगा की बातों को सुनकर जिमिन फिर से हंसने लगते हैं। इस पूरे एपिसोड में शुगा की बातें सुन सुनकर जिमिन बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। इसके साथ ही होस्ट ने कहा कि जिमिन और शुगा कैट और डॉग की तरह हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि होस्ट की अधिकतर सवालों पे जिमिन और शुगा तो सिर्फ हंस रहे थे, कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों होस्ट ने उनसे पूछा कि शूटिंग खत्म होने के बाद वो क्या करते हैं, जिस पर जिमिन ने कहा कि सबसे पहले तो वो खाने जाते हैं। इसके साथ ही शुगा ने बताया कि हम इसी जगह पे रहा करते थे लगभग 5 से 6 सालों तक, वो सब उसी एरिया में रहा करते थे जहाँ पे वो इंटरव्यू देने गए थे, तो उस जगह को वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुगा ने बताया कि उन्हें कार्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, इनफैक्ट वो कार के रिव्यू को भी देखा करते हैं और पढ़ा भी करते हैं। इसके साथ ही उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी कार कब खरीदी थी, तो जिमिन ने कहा कि लगभग 2-3 सालों पहले। इसके साथ ही दोस्तों शुगा ने बताया कि 3 सालों में उन्होंने सिर्फ 5,000 किलोमीटर ही ड्राइव करा है, क्योंकि शुगा ज्यादातर खुद ही चलते हैं या फिर टैक्सी ले लेते हैं, वो सभी खुद बहुत ही कम ड्राइव करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसके बाद शुगा थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। उसी दौरान होस्ट ने जिमिन से पूछा कि जिमिन इस पूरे शो में काफी ज्यादा नर्वस और साई दिख रहे थे और जिमिन ने बताया कि पता नहीं क्यों मैं किसी भी शो के शुरुआत में इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो जाता हूँ और कल भी मैं इतना ही ज्यादा नर्वस था। जिमिन ने बताया कि कल वाले शो में तो मेरी हाथ भी कांप रही थी और जब उस शो में जिन कुंग ने कहा कि वो मेरे हाथों को पकड़ना चाहती है, उस दौरान तो मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे। दोस्तों जिमिन बहुत ही ज्यादा शाई पर्सन है और उनकी ये शाई पर्सनैलिटी तब से बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है जब से वो सोलो काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा ही अपने मेंबर्स के साथ शो पे जाते थे या फिर सभी के
साथ ही रहते थे तो वो बहुत ही ज्यादा कम शर्माते थे, पर अब तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जिमिन ने बताया कि वो कॉन्सर्ट के दौरान नर्वस नहीं होते हैं, क्योंकि फैंस से मिलना उनके लिए मेंबर्स के साथ ही होने जैसा होता है, और तब तक शुगा भी आ जाते हैं। और शुगा ने बताया कि वो कॉन्सर्ट के दौरान नर्वस नहीं होते, बल्कि शो में गेस्ट बनकर जाते ही उन्हें नर्वसनेस होने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों उनसे पूछा गया कि वो यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस देखते हैं, जिस पर जिमिन ने कहा कि वो ईटिंग चैनल्स के वीडियोस को देखते हैं, यानी कि वो मुकबंग वीडियो को देखते हैं। और फिर खाने पीने की बातें होने लगती है, जिस पर शुगा कहते हैं कि अब उन्हें चिकन खाने का मन कर रहा है। और फिर इसके बाद सभी जिस भी डिश का नाम ले रहे थे शुगा को, उसी डिश को खाने का मन करने लग रहा था। इसके साथ ही दोस्तों उनसे ये भी पूछा गया कि वो जब फोन चलाते हैं या फिर मूवीज देखते हैं तो वो बैठ कर देखते हैं या फिर लेट कर देखते हैं, जिस पर जिमिन ने बताया कि वो पीछे किसी चीज का सहारा लेकर बैठते हैं। और शुगा ने कहा कि वो कम्प्लीटली लेटे हुए रहते हैं, वो अपने घर पे इसी तरह से रहकर रिलैक्स करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों होस्ट ने कहा कि ये चैट शो काफी ज्यादा लंबी रही और उन्हें शुगा और जिमिन के साथ इतना ज्यादा मजा आया कि वो उन्हें जाने देना नहीं चाहते हैं, जिस पर शुगा कहते हैं कि क्या हम यहाँ से जाने के बाद फिर इसी तरह से बातें कर सकते हैं पूरे दिन तक। इस पर होस्ट कहते हैं कि ये पॉसिबल तो है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है कि इस चैट के दौरान हम कितने सारे कॉफीज पी चुके हैं और हमारी पूरी बॉडी कॉफी से भर चुकी है। शुगा ने कहा कि मैं इस तरह से बातें करने को रेडी हूँ। इस पर होस्ट कहते हैं कि जिमिन तुम? तो जिमिन ने कहा कि वो बहुत सारी बातें करते हैं, और शुगा ने भी बताया कि जिमिन बहुत सारी बातें करते हैं अगर सामने वाला पर्सन उनके लिए कंफर्टेबल हो तो। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने शुगा को अपनी एल्बम के बारे में बताने को कहा, तो शुगा ने कहा मेरी एल्बम का नाम डी डे है, जैसे ही ये एल्बम आएगी मैं अपने टूर पे निकल जाऊंगा। इसके साथ ही शुगा ने कहा कि मैं बस यही होप करता हूँ कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूँ और अपना ख्याल रखूँ। और फिर जिमिन ने थैंक यू बोलकर इस प्रमोशन को खत्म करा। इसके साथ ही दोस्तों जिमिन और शुगा को गिफ्ट्स भी मिली प्यारी प्यारी, जो कि बहुत ही खूबसूरत से डेकोर की हुई केक थी जिस पर उनके एल्बम्स के नाम लिखे हुए थे, और वो सभी जिमिन और शुगा को थैंक यू बोलते हैं अपने शो में आने के लिए। और दोस्तों यहीं पर ये शो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस शो में जितनी भी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हुई और शुगा और जिमिन ने जितनी भी चीजों को रिवील करा वो सभी मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसमें आपस में उन्होंने काफी सारी बातें की क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।